नमस्कार भाई लो, आपका राम बाबू सेफ्टी गाइड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं ड्रेस कोड फॉर इंटरव्यू फॉर सेफ्टी ऑफिसर। आपको सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो आपको किस टाइप का ड्रेस, आपका बहुत सारे मन में विचार आते होंगे, सोचते होंगे कि हमको कैसा शर्ट पहनना चाहिए, इंटरव्यू में जाना हो तो कैसा पैंट पहनना चाहिए, कैसा बेल्ट पहनना चाहिए, कैसा घड़ी पहनना चाहिए, कैसा ड्रेस पहनना चाहिए, कौन सा कलर का, तो इसका आपको फुल जानकारी मिलेगा। वो भी आपको लाइव में बताऊंगा और पक्का प्रूफ के साथ में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और साइड में बेल का आइकन भी दबाएं कि जो भी आपके आप मेरा नया वीडियो आए तो फर्स्ट आपको नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले शर्ट, शर्ट बहुत ही वेरी करता है। दूसरा पैंट, आपका पैंट कैसा है, फिर शूज, फिर बहुत सारे अदर्स चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक वन बी वन डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले हम डिस्कस करते हैं शर्ट। तो आपका आपका शर्ट कैसा होना चाहिए, आपका शर्ट कैसा होना चाहिए, फुल शर्ट कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए बिल्कुल भी, फुल स्ट्रिचेड शर्ट होना चाहिए, प्लेन बिल्कुल भी सादा होना चाहिए, वेल आयरन प्रॉपर तरीके से आयरन कर आयरन किया हुआ होना चाहिए। कुछ आपको कुछ अवॉइड अवॉइड साइनेज, कुछ आपका जो साइनिंग वाला जो सेट है वो आपको नहीं पहनना चाहिए, जो ज़्यादा चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं वो को। और दूसरा आपका स्ट्रक, आपका शर्ट भी बिल्कुल भी स्ट्रक नहीं होना, बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रक मेंटेन करने का, मतलब इसकी जो क्रीज टूट जाता है या कुछ गंदा सा दिखता है वो सब आपको नहीं रखना है, कोशिश करना कि सही से रखना। ठीक है, जो भी आप ड्रेस पहन, कोई भी आप ड्रेस पहन सकते हो, बट प्लेन होने का, चेक में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन प्लेन होना चाहिए। तो पैंट कैसा पहनना चाहिए, पैंट में आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, पैंट आपको कभी भी डार्क कलर पहनो, जैसे आपका ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू या ब्लैक, ब्लैक सबसे बेस्ट बेस्ट रहता है, ब्लैक और व्हाइट कलर सबसे बेस्ट बेस्ट रहता है। दूसरा आपका पैंट हो बिल्कुल भी बड़ा नहीं होना चाहिए और नहीं बिल्कुल छोटा छोटा होना चाहिए, और वेल आयरन और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और ज़्यादा फिट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। फिट होगा तो बैठने में दिक्कत होगा, लूज होगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता आपको भी, आपने भी कभी फील किया होगा। तो अभी जीन्स को तो बिल्कुल भी अवॉइड ही करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, बिल्कुल भी ना पहने जीन्स को तो अच्छा अच्छा रहेगा। दूसरा शूज, शूज आप कौन सा पहन सकते हैं, शूज आप विदाउट लेस और लेस दोनों पहन सकते हैं, आपका लेदर लेदर शूज होना चाहिए, सेफ्टी शूज में कभी भी इंटरव्यू देने मत जाओ भाई प्लीज। ठीक है, दूसरा ब्लैक कलर का या रेड कलर का, चेरी ब्लैक कलर और रेड कलर का आप लेदर शूज पहन के इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। दूसरा उसका पॉलिश बिल्कुल 100% क्लीनिंग होना चाहिए, और मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप न्यू सेफ्टी शूज नहीं पहन के जाने, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे आप न्यू शूज पहने को तो पैर कटने का चांसेस रहता है, या हमारा बार बार उधर ही अट्रैक्शंस रहता है, तो उसके लिए प्लीज़ न्यू शूज मत पहन के जाओ। मेरा पर्चा आपको बुरा लगे अच्छा लगे, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, न्यू शूज बहुत ही प्रॉब्लम होता है, मैंने प्रॉब्लम फेस किया है। ठीक है, तो दूसरा बहुत सारे लोग का मन में है कि क्या मैं ऐसा ड्रेस पहन के जा सकता क्या। देखो भाई, आपको भी आप सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू में जाते हो तो एटलीस्ट हमारा सेफ्टी फील्ड में ऐसा कोई भी ड्रेस पहन के इंटरव्यू देने के लिए बहुत कम जाते लोग हैं। और आप सीनियर पोस्ट के लिए, जैसे आप सेफ्टी मैनेजर या सेफ्टी हेड प्रोजेक्ट पर सेफ्टी हेड प्रोजेक्ट सेफ्टी हेड के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो, ये ड्रेस आपके लिए सूटेबल है। और आप नॉर्मल इंटरव्यू देने जाते हो जन जो सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी इंजीनियर इंजीनियर के लिए, तो आप वही सिंपल ड्रेस प्लेन ड्रेस पहन के आप जा सकते हैं। आपका हेयर स्टाइल भी माइंड रखता है, हेयर स्टाइल आपका वो अच्छे में से अच्छा वाला हेयर स्टाइल आपको यूज, आपको नॉर्मल जो सिंपल सा आप देख सकते हो, थ्री वाला स्टाइल या फोर वाला स्टाइल या पांच वाला, बाकी ये सब जो भी आप सबसे यूज करो, बट जो भी आपका स्टाइल हेयर स्टाइल अच्छा लगना चाहिए, पर्सनैलिटी लगना चाहिए, और बिल्कुल बाल छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े बड़े नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखने का, सेव से आप क्लीन कर से जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा बहुत सारे लोग पूछते हैं घड़ी पहन जैसा, हाँ घड़ी आप कोई भी पहन सकते हो, नॉर्मल घड़ी भी पहन सकते हो, कोई भी घड़ी आप पहन सकते हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं रहता। तो भाई मैंने अपना पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मैंने मैंने शेयर किया। तो ऐसा इंटरव्यू में जाओगे तो 100% आपके ऊपर अट्रैक्शन रहेगा और सब इंटरव्यू आप क्लियर भी कर पाओगे। तो प्लीज़ भाई लो आप बताइए मेरा वीडियो कैसे लगा, और अच्छा लगे
प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को यूट्यूब पर शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स माई फ्रेंड एवरी वन।